शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभा श्री दीदी के साथ। आज एक बार फिर से हम एक रोचक परिचर्चा को लेकर उपस्थित हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दीदी जी एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं और विश्व की एकमात्र शनि साधिका हैं। उनके बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं उनके जीवन का एक छोटा सा परिचय वीडियो। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। श्री शनि देव जी की कठोर साधना से 26 किताबें 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनि देव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बंबई की फिल्मी दुनिया में बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। आज एक बार फिर से एक बहुत ही चर्चित विषय पर मैं आपसे परिचर्चा करूंगी। तो आज का हमारा विषय है कि ये ब्रह्म कुमारी मिशन क्या है। अक्सर हम देखते हैं कि सफ़ेद कपड़े में बहुत सारे व्यक्ति दिखाई देते हैं, भाई भी बहनें भी, और उनको ब्रह्म कुमारी मिशन का कहा जाता है। ब्रह्म कुमारी नाम से एक मिशन बना है। कई लोग इसे नास्तिक मिशन कहते हैं और कई लोग इसे धार्मिक मिशन कहते हैं। ब्रह्म कुमारी के बारे में मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया, माउंट आबू भी गई, मैंने वहाँ पर लेक्चर भी दिए, और मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो ब्रह्म कुमारी के हैं, वहाँ से भी मेरा कनेक्शन अच्छा रहा है। तो मैं आपको एक सरल और सादा भाषा में बताती हूँ। पहले आपको ये जानना है कि ये ब्रह्म कुमारी मिशन बना कैसे। लेखराज नाम से एक वयोवृद्ध थे, वो व्यापारी थे हीरे के। लेखराज जी ने हीरे का व्यापार जब प्रारंभ किया था तो उनके मन में एक बात आई 50 साल की उम्र होते होते कि मुझे कुछ जीवन में अच्छा करना है, नया करना है धर्म के क्षेत्र में, पर मार्ग नहीं मिल रहा था और थे हीरे के व्यापारी। फिर एक बार मन में बात आ गई कि मुझे कुछ करना है, तो वो भाव जो हम सोचते हैं वो हमारे मन में गूंजते रहते हैं, और जो हमारे मन में गूंजते रहते हैं वो हमें दिशा देते हैं। ऐसे ही वह शांत बैठे हुए थे तो एक बार उनको प्रेरणा हो गई
कि परमात्मा उनके अंदर में आकर कुछ बोल रहा है और कुछ उनसे करवाना चाहता है। तो वो जैसे ही उनके अंदर में अहम ब्रह्मास्त्र की जो भावना आती है, उससे वो अपने आप को कुछ अलग करने के लिए तैयार करते हैं। और फिर उन्होंने एक महिला मंडली बनाई, उस महिला मंडली का नाम रखा ओम मंडली। उन्होंने देखा कि इस समय में महिलाओं को सही तरीके से धर्म में स्थान नहीं है, सही तरीके से महिलाओं के द्वारा आज राष्ट्र का निर्माण नहीं है। तो उन्होंने महिलाओं के उत्थान की बात भी दिमाग में रखी और फिर वो एक महिला मंडली बनाई, उसमें पुरुष ना के बराबर थे, और उसका ओम मंडली का संचालन वो करने लगे। उन्हीं दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा चल रहा था। जिस समय वो थे उस समय वो क्षेत्र उनका पाकिस्तान में आ रहा था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में वहाँ से वो यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद में समझ में नहीं आ रहा था बसें कहाँ, जाएँ कहाँ, क्योंकि परिस्थितियाँ उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति थी कि कहीं भी जगह मिले और बस व्यक्ति अपना काम प्रारंभ कर दे। तो माउंट आबू की पहाड़ी पर वहाँ पर उन्होंने अपनी जगह बनाई और सोचा कि ये जगह सर्वोत्तम है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति हटाने वाला नहीं है, यहाँ हम आसानी से अपने कार्य कर सकते हैं। और उन्होंने वहाँ से ही अपना कार्य चालू कर लिया और नाम रखा अपने मिशन का ब्रह्म कुमारी। तो अब सतयुग आने वाला है, हमें सतयुग की ओर जाना होगा। उन्होंने लोगों के दिमाग में एक बात बिठाई कि कलयुग नष्ट हो रहा है, सतयुग की ओर जाना है, इसलिए इस कलयुग में आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और अपने घर परिवार लोभ मोह क्रोध तृष्णा सब त्यागिए, और आप अपने पूरे अहंकार से अलग होकर आप एक मिशन में आइए और ब्रह्मा को मानिए, यानी मुझे मानिए, और मेरे बताए मार्ग पर चलिए। और सृष्टि जो बनाई है परमात्मा ने, वो बनाने वाला कोई साकार देवता नहीं है, वो निराकार परमात्मा है। तो आपको किसी मंदिर में नहीं जाना है, किसी संप्रदाय में नहीं जाना है, निराकार परमात्मा की आराधना करनी है। तो आपको जो निराकार परमात्मा को मानने के लिए तैयार है उनको इस मिशन में आना है। असल में बात उनकी जो थी वो 75% गीता के लिए गए ज्ञान से संबंधित थी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ जो चीज़ कही है ना, लेखराज जी के शब्दों में या जिन्हें हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं उनके शब्दों में काफ़ी कुछ वैसी बातें आती हैं। उनके नाम पर जो मुरली की पट्टी चलती है पीस ऑफ माइंड टीवी में, पीस ऑफ माइंड चैनल जो है उनका खुद का चैनल है, तो अभी एवाकनिंग भी एक चैनल आ गया उनका टीवी पर। तो जो पट्टी चलती है मुरली की, वो मुरली की पट्टी में ज़्यादातर संदेश हमारे श्रीमद्भागवत गीता से रिलेटेड रहते हैं। उसके बाद में फिर वो जो उपदेश उन्होंने दिए, वो उपदेश में लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि यदि आप अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, आप जाग जाओ और अति शीघ्र आप ये सारे संसार से अलग हो जाओ, ये संसार में दुख ही दुख है, आपको सबसे ज़्यादा खुशी ब्रह्मा बाबा को मानकर मिलेगी और सबसे ज़्यादा खुशी आपको इस मिशन में आने से मिलेगी, और इस मिशन में आने से आपको मोक्ष मिलेगा, आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, आत्मा दोबारा आएगी नहीं, और यदि जन्म होगा तो आप सतयुग में जाएंगे, हमें सतयुग में जाना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। उनका ये था कि जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, लड़की है तो लक्ष्मी बन जाएगी और पुरुष है तो नारायण बन जाएगा, और सतयुग में उसका जीवन जाने वाला है, वो इतना पुण्यात्मा बनेगा। ये सारी बातें सब चल रही थी, बहुत सारी गलत फहमियाँ भी थी, बहुत सारे अच्छे विचार भी थे, सब मिला जुला ये वातावरण था। पर जो मेरी समझ में आया वो ये था कि जो लोग ऐसे थे जो किसी भी देवी देवता को नहीं मानते थे, जो लोग किसी भी मंदिर में विश्वास नहीं करते थे, जो वैष्णव धर्म के भी विरोधी थे, बौद्ध धर्म के भी विरोधी थे, जो जैन धर्म के भी विरोधी थे, और जो व्यक्ति शैव धर्म के विरोधी थे, जो सब परेशान हो चुके थे इन सारे संप्रदायों से, उनके लिए एक मार्ग बन गया कि अब हमें ब्रह्मा कुमारी में जाना है। यहाँ तक कि 500 ऐसे डाकू चोर भी थे जिनको जेल हुई थी,
एक तो बहुत जिस पर इंदिरा गांधी के समय में इनाम भी रखी गई थी और जेल में थे वो, तो वो भी तब प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में आए, सारे के सारे जो थे उनको सजा जब माफ़ हुई तो वो सारे के सारे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि अब हम अपना जीवन बदलेंगे। तो ऐसी भी बहुत सारी बातें हो रही थी कि जो व्यक्ति मार्ग भटक चुके थे वो अपने सही मार्ग में आने के लिए एक जगह खोज रहे थे कि लोग उन पर दाग ना लगाएं और लोग उनकी पूजा करें और उन्हें अच्छा बोलें तो वो यशस्वी होने के लिए इस मार्ग में आ गए। हर जाति के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं उसके अंदर में, ईसाई भी हैं उसके अंदर में, सिर्फ हिंदू ही नहीं है उसके अंदर में, सब मतलब ये है कि सब धर्म के सब प्रकार के लोग उसमें शामिल हैं। ऐसा तो बाहर जब हम विदेशों में जाते हैं और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के बारे में देखते हैं तो ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं वहाँ बाहर, जो जिनको भगवान को मानना नहीं होता है, या हम कहते हैं कि ज़्यादातर नास्तिक लोग भी कह सकते हैं जो भगवान से अलग हैं। इस मिशन का नाम भी कई लोगों ने नास्तिक मिशन रख लिया है कि जो मंदिर में विश्वास रखते हैं उन्होंने नास्तिक मिशन रख लिया है। और कई लोगों ने गलत इसलिए भी कहा है कि आज कोई व्यक्ति मिशन बनाता है, वो अपने आप को ब्रह्मा मानता है और शिवलिंग आप दिखाते हो पर शिव बाबा कहते हो, लेखराज जी को शिवलिंग आप दिखा रहे हो डुप्लीकेट लोगों को भ्रमित करने के लिए, पर आप जब मेडिटेशन करने की बात कहते हो तो कहते हो कि ये शिव बाबा ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही शिव बाबा है और यही परमात्मा है, यही निराकार है, यही साकार है, यही हमारी दादी के आंग में आते हैं और यही बोल कर जाते हैं। और मतलब ये कि प्रकृति विरुद्ध कुछ बातें हैं, ये प्रकृति विरुद्ध है। प्रकृति विरुद्ध है कि कोई व्यक्ति जाने के बाद में किसी के शरीर में आए, फिर बातें करे, फिर उसकी बातें लिखी जाएं, फिर वो मुरली बन जाए, फिर उसके बाद में वो सालों साल ऐसा चलता रहे, ये प्रकृति विरुद्ध है। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो समझ के बाहर हैं। तो अच्छाई भी बहुत सारी बातें हैं कि शांति का संदेश है, नो डाउट, और उन्होंने सिखाया कि अपनी इंद्रियों पर संयम कैसे करें, ये भी बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बहुत सारा अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान भी दिया है, हालांकि सब पांच उंगली एक जैसी नहीं होती, जहां नाम है वहां बदनामी भी है, पर कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने चरित्र को संभाल कर रखा है। और महिलाओं को आगे ले जाने के लिए एक अच्छी सोच थी, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं पर बहुत सारी गलत विचारधाराएँ भी हैं जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया। बहुत सुंदर। तो आपने बोला कि उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ मिला जुला मिश्रण भी है, पर आप वो लोग तो नवग्रह को भी नहीं मानते, तो क्या आपको हम ये मान लें कि उनको शनि पीड़ा नहीं लगती या कोई भी ग्रह शांति उनके ऊपर लागू नहीं होती, क्या ऐसा है? अच्छा प्रश्न किया आपने। वो नवग्रहों को नहीं मानते या शनि को नहीं मानते। कई बार क्या होता है, हम अंदर से तो मानते हैं पर हम दुनिया को दिखा नहीं सकते कि हम नहीं मानते। जो व्यक्ति जानकार है, ज्ञानी है, ज्ञाता है और ये समझ गए हैं कि ज्योतिष विद्या वेदों की आँख है, वो जान गए हैं कि यदि अच्छा ज्योतिष जानने वाला कोई व्यक्ति है और वो हमारी जन्म पत्रिका को देखकर यदि अच्छी बातें हमें संचालित कर सकता है, हमें मार्गदर्शन दे सकता है, जिस मार्ग पर चलकर हम विषमताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना सकते हैं, तो जो ऐसे ज्ञानी हैं, जो ज्योतिष से भरोसा करने वाले हैं, वे भी ब्रह्म कुमारी में कम नहीं हैं। अंदर से सब जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्योतिषों से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष लोग उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं, या मैंने भी बहुत सारी ब्रह्म कुमारी बहनों को मार्गदर्शन दिया है और अच्छा मार्गदर्शन का उन्होंने लाभ भी उठाया है, इसलिए मैं इस बात को प्रमाणित करके कह रही हूँ। पर बात यह है कि अब उनका लेवल है ब्रह्म कुमारी का, तो वो ये नहीं कह सकते ना कि हम नवग्रहों का हवन करें, नवग्रहों को माने, ब्रह्म कुमारी को मान रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ हम ब्रह्मा बाबा को मानेंगे, सिर्फ हम ब्रह्मा बाबा को ही शिव भगवान बोलेंगे और किसी को हम मानेंगे नहीं। तो इस तरीके का अपनी बात को भी बना के रखना है। तो बात यह, अब रही बात नवग्रहों के और शनिदेव के कष्ट के बारे में, ये देखो ये मानव जो शरीर है ना, ये पंच तत्वों से निर्मित है और पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर के अंदर में नवग्रहों ने अपना अपना पंच तत्वों का विभाजन किया है। ये पांचों तत्व जो है ना, ये नवग्रहों में विभाजित हुए हैं। जैसे वायु तत्व शनि को मिला है,
तो चंद्रमा को जल तत्व मिला है, तो अग्नि तत्व मिला है सूर्य को। इस तरीके से ये सारे यदि हम प्रेडिक्शन करें तो नवग्रहों को अलग अलग तत्वों में विभाजित किया गया है। तो ये शरीर ही हमारा नवग्रहों ने बनाया है, शरीर का अंग अंग नवग्रहों से संबंधित है। पंच तत्व और नवग्रह दो अलग अलग नहीं किए जा सकते। नवग्रहों से रिलेटेड हमारी सारी जिंदगी है, हमारा सारा कार्य क्षेत्र है। आप उससे भागेंगे कहाँ, क्योंकि वो तो ज्योतिष का एक मुख्य हिस्सा है। आज इतना सौर मंडल में आज इतने सारे जो ग्रहों के रिंग हैं, जो ग्रहों की परिक्रमाएं चल रही हैं, उनके सारे के सारे प्रभाव आप देख रहे हैं। क्यों सूर्य ग्रहण हो रहा है, क्यों चंद्र ग्रहण हो रहा है, हजार साल पहले पंचांग बने उसमें लिख दिया गया इतनी तारीख को सूर्य से, पृथ्वी से, चंद्रमा से, आमने सामने से, दूरी से ऐसा वातावरण बनेगा, ऐसा सूर्य ग्रहण आएगा, ऐसा चंद्र ग्रहण होगा, ऐसे राहु बीच में आएंगे, ऐसे केतु बीच में आएंगे, ऐसी छाया पड़ेगी, और सूर्य ग्रहण हो रहा है और चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो ये खाली मैंने तो उदाहरण सूर्य ग्रहण है चंद्र ग्रहण का दिया, ये तमाम प्रकार के ऐसे ही प्रेडिक्शन जो हमारे ज्योतिष से जुड़े हुए हैं कि ग्रहों की चालें बदलती हैं, परिभ्रमण चेंज होते हैं, महीने बदलते हैं, हर ग्रह अपनी अपनी परिक्रमा करता है, उसका प्रभाव आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, आपकी पत्रिका के हिसाब से, आपके पूर्व जन्म के हिसाब से अच्छा या बुरा आप एक्सेप्ट करते हैं, उसका रिजल्ट भी आपको मिल रहा होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे ज्योतिष के जानकार जो हैं वो ज़्यादा समझ पाएंगे। और इसे हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो ब्रह्म कुमारी में कितने भी सालों से रहा हो, नौ ग्रहों की पीड़ा तो होगी, शनि की पीड़ा तो होगी, और वो अपने सुकर्मों से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने मनुष्यता के मार्ग पर चलकर वो नौ ग्रहों की पीड़ा को कम कर सकता है। ये नहीं कहती मैं कि वो नवग्रह का मंत्र जाप करे, मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो नवग्रहों का हवन करे, पर ग्रहों को प्रसन्न करने के बहुत अलग तरीके होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताती हूँ। कई लोग मेरे पास में आते हैं और इस्लाम धर्म के होते हैं, तो मैं उनसे ये नहीं कहती कि आप नवग्रहों का हवन करेंगे, मैं ये भी नहीं कहती नवग्रहों से संबंधित आपको अमुक प्रॉब्लम है तो समाधान कैसे करेंगे। या कोई क्रिश्चियन समाज का आता है तो मैं उनसे संबंधित उनके द्वारा जो वो फॉलो कर रहे हैं वही उपचार कहती हूँ। और मैं उनसे ही कहती हूँ कि भाई देखो, ये आपका जुमा का दिन आएगा, उस दिन आप ऐसा कर लेना, इतना ये चावल ले लेना, इतना आप अपनी प्रेयर कर लेना, शरीर से सात बार उतार लेना, जल में विसर्जित कर देना, आपको इससे बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। उपाय तो मैं उनके ही बोलती हूँ, उनके ही में जो भी जो अपने खुद के पाठ रहते हैं, या इलाहा इल्लल्लाह जो वो जाप करते हैं, है ना, वो जाप में ही मैं उनको बोल देती हूँ। जो भी ईशू करते हैं कि भाई ईशू तुम ही सब कुछ हो, तो वो ईशू को के बारे में उनको ही देती हूँ। तो वो जो कर रहे होते हैं उसमें भाव ये हो रहा होता है कि मेरे ग्रह की पीड़ा कम हो रही है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। तो जिसके लिए आप उसे अर्पण कर रहे होते हैं वो उसी खाते में चला जाता है। धर्म कोई भी हो, उपाय कोई भी हो, आपने पुण्य काम किया, किसी को भोजन कराया और अर्पण हो गए कि भाई ये मेरी साढ़े साथी की पीड़ा को कम करने के लिए अर्पण किया है, खाता तो वही पुण्य का है। तो हो रही है पीड़ा, सबको हो रही है, सब समझ भी रहे हैं, उसको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट दूसरे मार्ग से उस पीड़ा का निदान कर रहे हैं, अपने मेडिटेशन के द्वारा कर रहे हैं, अपने अच्छे संस्कारों के द्वारा कर रहे हैं, और जब वक्त मिल रहा है तो उससे संबंधित दान पुण्य धर्म से जुड़कर कर रहे हैं, पर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो अगर सार में मैं कहूँ तो आपके कहने का मतलब है कि वेद के चारों पिलर्स का हमें ध्यान रखना है, और अगर हमें यज्ञ करना है तो भी वेदों के अनुसार करना है, तो हमें ग्रह पीड़ा नहीं होगी। पर अगर हम ब्रह्म कुमारी मिशन के ऊपर अपनी चर्चा को जारी रखें तो उसमें राजयोग क्या है, और एक मैंने ये भी सुना कि वो लोग कहते हैं कि परमपिता जो हैं, या भगवान जिसे भी हम मानते हैं, या ईश्वर जिसे हम मानते हैं, वो एक ज्योत स्वरूप हैं, जैसे आपने निराकार कहा, तो उन्होंने कहा कि ज्योत स्वरूप हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगी कि राजयोग क्या है और ईश्वर का स्वरूप क्या है? फिर उन्होंने सब खिचड़ी पकाई है, राजयोग में भी उन्होंने सबको मिक्स कर दिया है। और वो राजयोग क्या है पहले मैं आपको बताती हूँ,
और ज्योत वाली जो आपने बात कही है ना, वो भी सरासर गलत है। हमारे वेदों में जो बताया गया है वो परमात्मा को किसी ज्योत के बारे में नहीं बताया गया। परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो ना ज्योत में है, ना बिंदु में है, ना मूर्ति में है, और ना ही किसी स्थान पर। वो निराकार है, वो सार्वभौमिक है, वो कण कण में चारों तरफ विराजमान है। वो एक जगह टिकता नहीं, एक जगह दिखता नहीं, एक जगह रहने वाला कोई भाव ही नहीं। यानी वो उसका निर्माण किसी ने नहीं किया और कोई उसे निर्माण करके दिखा भी नहीं सकता। तो वो जो उन्होंने कहा ये ज्योत है, ये तो सही नहीं है, वो तो उनकी कल्पना है। दूसरी बात, जैसे अभी आपने प्रश्न किया कि राजयोग, अभी क्या है कि आपने एक नया मेडिटेशन चालू किया, एक नया प्रशिक्षण चालू किया, आप उसे कुछ भी नाम दे दीजिए। कहने का मतलब यह है कि पहले वो सारी कथा कहानियां हमें बताते हैं कि भाई जो यीशु आए वो भी पैगंबर थे, हमने भगवान मान लिया। मोहम्मद आए वो पैगंबर थे, हमने भगवान मान लिया। बुद्ध आए वो पैगंबर थे, हमने भगवान मान लिया। जितने भी भगवान के संदेश वाहक आए उनको सबको हमने भगवान मान लिया और उसकी हम पूजा करते रहे। ये भगवान थे ही नहीं, इनको हम भगवान मानते क्यों हैं? ये तो सब अलग अलग जो संदेश वाहक थे। चलो यहाँ तक अच्छा है कि भाई ठीक है, आपने भ्रमित होने से बचाया और दुनिया को सनातन धर्म की ओर ले जाने के लिए कोशिश की। अब उसके बाद में फिर धीरे धीरे बात वही आ जाती है कि किसी को मत मानो पर मुझे मानो और मेरे पास आ जाओ, सबको छोड़ो, सबको छोड़ो पर मुझे अपनाओ, ऐसा। तो फिर उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि आप इधर भी मत जाइए, इधर भी मत जाइए, इसको भी मत मानिए, उसको भी मत मानिए, कोई देवी देवता मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं, फिर आप सबसे अलग हो जाइए। हाँ, फिर आपको मेडिटेशन करना है और आपके मेडिटेशन में आपको ब्रह्मा बाबा का ध्यान करना है, लेखराज जी का, और आपको भगवान शिव का ध्यान करना है, तो शिव बाबा हमारे लेखराज जी हैं, आप उनका ध्यान करो और उसके बिंदु स्वरूप का ध्यान करो, तो आपको अनुभूति होंगी। फिर लोग बोलते हैं कि हमारी अनुभूति में हम स्वर्ग के दर्शन करके आए, हमारी अनुभूति में हमने लेखराज बाबा के दर्शन किए, ब्रह्मा बाबा के दर्शन किए, सुंदर था, सुनहरा था, सतयुग देखा, ऐसे ऐसे लोग चमत्कारिक बातें बताते हैं और ऐसे ऐसे लोग अनुभूति बताते हैं। कुल मिलाकर यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उनको उस भावना में राजयोग नज़र आता है। हो सकता है हमें उसमें वो कोई खास बात नज़र ना आती हो, पर इतना तो अच्छा है कि चलो भटकने से लोग कुछ तो बचे। इधर उधर कोई इस्लाम धर्म में जाते थे, कोई ईसाई धर्म में जाते थे, कोई बौद्ध धर्म में जाते थे, तो चलो अच्छा है कि चलो एक किसी और धर्म में आ गए, कुछ तो अपना निर्माण कर रहे हैं। पर फिर भी टोटल राजयोग की बात करें तो उसमें राजयोग जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस इतना है कि आपको ये दुनियादारी से और भटकने से बचाया जाता है, और भटकने से बचाने के बाद में कहानियाँ बता के कि जैसे अभी हाथी है तो सब अंधे लोग हैं, पूछा ये हाथी कैसा दिखता है, पूछ पकड़ी तो बोले कि ये हाथी तो ऐसा रस्सी जैसा दिखता है, फिर कान पकड़े अंधे ने तो अंधे ने कहा ये हाथी तो सूप के जैसा दिखता है, ऐसा। तो उसके तरीके से सब पीठ पकड़ी किसी अंधे ने तो कहा हाथी तो दीवार के जैसा दिखता है। तो मतलब एक ऐसा उदाहरण दे दे के समझाया कि परमात्मा को देखा किसी ने नहीं है और परमात्मा किसी को दिखता नहीं है, तो ये सब हम अंधे लोग हैं जो हम मनगढ़ंत बोलते हैं, किसी ने ये पकड़ा, किसी ने ये पकड़ा। असल में वो तो जिसने देखा है वो ही बता सकता है कि वो हाथी है, अंधे लोग तो खाली एक चीज़ पकड़कर बता सकते हैं। तो ये ये सब उदाहरण दिए उन्होंने, समझाने की कोशिश की है कि जो परमात्मा है उस परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, फिर परमात्मा को गड़ा कैसे मूर्तियों में, ऐसा। तो ये टोटल वैष्णव धर्म के खिलाफ एक मिशन था। अभी तक वैष्णव धर्म फैल रहा था, फल रहा था, फूल रहा था, अब कोई तो उसके विरोध में अपोजिट आना था, तो उन्होंने वैष्णव धर्म के टक्कर में ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी बनाया। ये टोटल पैरेलल चला, और उसके बाद में फिर जो वैष्णव धर्म को फॉलो नहीं कर रहे थे वो इसमें आने लगे, और उन्होंने फिर राजयोग की ट्रेनिंग देना चालू कर लिया, और राजयोग की ट्रेनिंग ने लोगों को फिर इधर उधर से भटकने से बचाया,
और लास्ट मोमेंट पे फिर ये हुआ कि आप अपने घर में रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिए, रोज़ रात में सोते समय मेडिटेशन कीजिए, इससे तो 100% लाभ होना ही है, क्योंकि ये तो हमारा वेदों का प्रशिक्षण है, तो इससे तो लाभ होना ही होना है। और यही सबसे बड़ा एक निचोड़ है कि उन्होंने लोगों को मेडिटेशन में लाकर एक उपकार किया कि भले ही जो कुछ भी है, ठीक है, अपने मिशन के लिए किया, 179 क्षेत्रों में उनके मिशन आज स्थापित है। तो चलो ठीक है, अपने परमार्थ के साथ स्वार्थ तो होता है ना, तो किया, पर बाद में निचोड़ निकालें तो यह है कि चलो लोगों को मेडिटेशन करना सिखाया और किसी न किसी बहाने से लोगों को भटकने से बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने गागर में सागर भरने की कोशिश की और बहुत ही सुंदर ज्ञान हमें दिया। इसी तरह की एक और रोचक परिचर्चा के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे आपका अगले शनिवार को, ताकि हम और भी आपसे ज्ञान अर्जन कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी एक रोचक परिचर्चा विभाश्री दीदी जी के साथ। हमने बहुत से रोचक तथ्यों पर जानकारी हासिल की, परंतु यदि अभी भी आपके मन में कोई शंका हो जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आप दीदी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उनके फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले शनिवार फिर से मिलेंगे एक रोचक परिचर्चा के साथ। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है, और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़ेसाती, शनि धैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाषी दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाषी दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं, तो आज ही संपर्क करें 0240-2471-558 और 6572-888, मोबाइल नंबर 0942-2704-358। Thank you.
देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।